जौनपुर जिले के रामपुर ब्लॉक में धनंजयपुर गांव में गंदे पानी की निकासी न होने के कारण सकीला सहित लगभग 70 परिवारों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या वह दीदी की, जैसे हमारे गांव में निकासी नहीं हुआ पानी के, बहुत दिक्कत पानी की वह है। अगर हम सब कौनो पानी इस्तेमाल करत है नहाए धोए के या बर्तन उतन धुले के माँजे के, तो सब पानी हम सब डब्बा में जमा के धरे रही थे, रात में चुपी छुपा फेंकी थे, जो कि वो देखे ना पा, अगर देख लिए तो वो बिना झगड़ा मार हो जाए। बहुत दिक्कत ये बा कि वो इकट्ठा रखे से उमा कीटाणु पैदा होता, उससे बीमारी पैदा होता, लड़कियन के तबीयत खराब हो जाता ओकरे वजह से। ओकर जब वो इतना बीमारी फैल जाता तब वो उतना ज़्यादा पैसा ना रह गया वह है, यही की वजह से हमें सबके ज़्यादा हाथ उठा हुआ कि पानी की हमारे सबके निकासी हो जाए। अगर कोई प्रधान गांव का भाई नेता लोग भाई इतना खड़ा बन उनसे हाथ गिनती जोड़े कि हमारे गांव का निकासी बनवाए दे, कहीं बनवाए दे, जब जीत जाइए तो हाथ जोड़े लगू तो हर सुनता नहीं वह है। हमारे समस्या मैडम, हमारे गांव की, हमारे घर की समस्या यही, हमारे यहाँ पानी का निकासी, बहने का निकासी नहीं है। पानी अगर रोड पे फेंकेंगे तो आने जाने पब्लिक को तकलीफ रहती है। तो पानी इकट्ठा होने से क्या दिक्कत होती है मैडम? दिक्कत तो बहुत होती है, दुनिया की बीमारी फैल जाती है, मच्छर लगते हैं, बच्चे लोग बाहर खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, समस्या तो बहुत है पानी रुक, गंदा पानी रुकने से। कोई प्रयास आप लोगों ने किया? प्रयास तो मैडम हमने बहुत से किए, एक से एक विधायक जिला अध्यक्ष से हम लोग बात सामने रखे थे हम लोग की समस्या, वो लोग बोलते ठीक है भाई हम जीतने के बाद तुम्हारा काम कर देंगे, जीतने के बाद काम कर देंगे, जीतने के बाद कौन नया दिखता है। और जो मोदी जी स्वच्छ अभियान निकाले हैं तो देहात में उनका दौरा हो नहीं रहा है, ना उनके अधिकारी का ना उनके कर्मचारी का, सिर्फ शहर का देख रहे हैं, बड़े बड़े शहरों का देहात में आके देखे तो उनको समस्या समाधान कुछ समझ में आए। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि रामपुर ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-46-52-78 पर कॉल करके दबाव बनाए ताकि इस गांव में पक्की नाली जल्द से जल्द बने। मैं उषा पटेल, जौनपुर जिले के उत्तर प्रदेश, इंडिया, नहड़ के लिए।